तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शारिक तन्वीर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्स ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग चीज को लेकर हाजिर हूँ, जो कि है काइन मास्टर में टॉप 10 ऐसा चीज जो कि बहुतों को नहीं पता है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी पक्का दबा देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा चीज के बारे में बताने वाला हूँ काइन मास्टर का, जिसको सुनकर और जिसको सीख कर आप प्रो लेवल के एडिटर बन जाओगे सिर्फ और सिर्फ अपने स्मार्टफोन पे। और आप इस हद तक अपना वीडियो एडिटिंग को अपस्केल कर सकते हो कि यार सब कोई आपके सामने हैट्स ऑफ करेगा। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को छोटा सा ट्यूटोरियल देने वाला हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप वो सारा चीज़ काम कर सकते हैं। तो बूम। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला ट्रिक ये है दैट हम हमेशा कोई भी चीज़ अपना वीडियो एडिट करते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़, जैसे कि लोगो हुआ, सब्सक्राइब का फ़ोटो हुआ, लाइक का फ़ोटो हुआ और हमारा ईमेल आईडी या सोशल मीडिया हैंडल हुआ, वो सारा चीज़ को बार बार हमें सेलेक्ट करना पड़ता है और उसे बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो उसको आसान करने के लिए बहुत एक ईजी ट्रिक है, जैसे कि हमने कोई भी एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लिया, कोई भी चीज़ ले लिया, कोई भी बैकग्राउंड ले लिया, अब इसमें हमें अपना बार बार लोगो डालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हमें क्या करना होगा कि जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो उसे हमें पहले खोलना है और उसके बाद फिर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस जैसे ही आप करके रखिएगा, यहाँ पे स्टार मार्क आएगा, तो स्टार मार्क पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो फेवरेट लिस्ट में चल जाएगा और उसके बाद आप जब भी खोलोगे तो फेवरेट लिस्ट में आपका वो फ़ोटो आ जाएगा, फ़ोटो या मीडिया फाइल जो भी रहे वो आ जाएगा और फिर आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हो और कोई इशू नहीं होगा। तो ये पहला ट्रिक था। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या है। तो फ्रेंड्स, सेकंड टिप ये है दैट हम कभी भी कोई भी अपना मीडिया फाइल चूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी मीडिया फाइल को जब भी हम चूज़ करते हैं तो बहुत थोड़ा सा दिखता है और फिर हम अपना पूरा मीडिया फाइल को बार बार हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है और उसका देखना पड़ता है, नीचे टाइमलाइन का हमेशा स्पेस खाते रहता है। तो उसे ठीक करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें बैक जाना होगा पूरा और उसके बाद फिर यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हो मीडिया ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड को इनेबल करना होगा और उसके बाद फिर ऑडियो ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड को इनेबल करना होगा। इससे क्या आपको प्रॉफिट होगा कि आप जब भी कोई भी मीडिया फाइल को के लिए आप ब्राउज़ करोगे तो देखिए आपको पूरा फुल स्क्रीन में आपका सारा का सारा फोल्डर दिख रहा होगा, तो आप आसानी से इसे क्लिक कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, तीसरा ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम कभी भी कोई भी मेन स्ट्रीम में टाइमलाइन पे अगर मेन में अगर कोई भी फ़ोटो अपना डालते, कोई भी फ़ोटो, तो वो हमेशा मूव करता रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसे मैं प्ले करूँगा तो देखिए इसमें मूवमेंट रहेगा और अगर आपको ये मूवमेंट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पहले इसे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप क्रॉपिंग पे जाओ और ये इक्वल टू का साइन कर दो, पहले इसे एडजस्ट कर लो अपना जितना आपको करना है, जैसे मुझे इतना तक करना था, और उसके बाद इक्वल टू कर लो। अब देखिए आप कोई भी मोशन नहीं रहेगा और अगर आपको इसे फिर से मोशन में डालना है तो फिर आप इसे मोशन पे भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है ट्रिक नंबर 4। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो चौथा नंबर हमारा जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और वो कैसे है कि जब भी हम अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि लेयर पे लेयर हमें कुछ कुछ चीज़ें चढ़ानी पड़ती है, तो उसके बाद फिर हमें अपना टाइमलाइन ठीक से दिख नहीं पाता है। तो अगर आपको अपना पूरा टाइमलाइन देखना है या फिर कोई पर्टिकुलर लेयर पे वर्क करना है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड का पूरा कॉर्नर पे सेकंड डाउन से एकदम सेकंड पे आप यहाँ पर जो बटन देख रहे हो उसे आप आपको प्रेस करना होगा, उसके बाद फिर आप अपना पर्टिकुलर कोई भी लेयर को सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें वर्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पर्टिकुलरली कोई भी लेयर पर मैं टैप करूँगा और फिर वो वर्क करेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि ट्रिक नंबर 5 है। ट्रिक नंबर 5 बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि जब भी हम कभी भी एडिटिंग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है दैट हमको अपना हमें अपना लोगो जो है वो एक फिक्स्ड कॉर्नर पे सेट करके रखना है और उसे छेड़छाड़ नहीं करना है, चाहे ऊपर का मेन वीडियो कहीं पे भी मूव हो, कहीं पे भी कट हो। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा कि सपोज़ दैट ये जो फ़ोटो है ये मेरा मेन फ़ोटो है और ये मेरा लोगो है सपोज़ दैट, तो अब हमें इसे पिन करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे कोई पिन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही हम वो लेयर पे क्लिक किए पिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो अब ये पिन हो चुका है, अब ये कहीं पे भी मूव नहीं होगा, आप टेंशन कहीं पे भी मूव नहीं होगा, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर
हमको जैसे मैंने यहाँ पे कट किया, देखिए ये मूव अपने जगह से नहीं हुआ, कुछ भी आप कर लीजिए अब ये मूव नहीं होगा। फिर आपको अगर इसे मूव करना है तो फिर आपको इसे अनपिन करना होगा, उसके बाद ही ये मूव होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। तो फ्रेंड्स ट्रिक नंबर 6 ये है दैट अगर आप कोई भी अपना वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालते हो तो बहुत बार ऐसा होता है दैट वो म्यूज़िक में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और आपका नॉर्मल वॉइस जो आप वॉइस ओवर कर रहे हो वो कम होता है। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आई एम सॉरी, तो सबसे पहले आपको लेयर पे जा लेयर ऑडियो पे जाके आपका कोई भी जो भी फाइल है ऑडियो फाइल उसे आप अपना डाल दो, और उस पर एक बार टैप करके यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड का आ रहा है, तो इसे इनेबल कर दो। इसे इनेबल करने से क्या होगा कि एडिटर जो आपका है वो समझ जाएगा कि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है और वॉल्यूम को कम कर देगा और एडजस्ट कर देगा उसी के अकॉर्डिंगली। और तब भी अगर आपको अपना रिजल्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप जाकर वॉल्यूम भी कम कर सकते हो, और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, कंप्रेसर है और उसके बाद फिर लाइट में राइट और लेफ्ट में आपको कितना आवाज़ चाहिए वो आप कर सकते हो, पिच कैसा होना चाहिए मोटा पतला वो सब भी आप सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स नंबर 7 का टिप आपका आपके लिए ये है दैट अगर आपके साथ बहुत बार ऐसा सिचुएशन होता होगा दैट आपका जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, जैसे सपोज़ दैट 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट जितना भी वीडियो लंबा है, तो फिर क्या होता है कि आप जो जो भी फाइल अपना आप ऑडियो फाइल सेलेक्ट किए हो तो वो उतना ज़्यादा लंबा होता नहीं है, वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वो ऑडियो फाइल है, और फिर आपको बार बार वो फाइल को फिर से डालना होता है और फिर उसे फिर एडजस्ट करना होता है वॉल्यूम वगैरह सारा चीज़ को। तो अगर आपको वो करने से बचना है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कि आप वो अपना ऑडियो फाइल को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद लूप कर दो। तो लूप से क्या होगा कि वो बार बार रिपीट होगा, जहाँ से ही वो ख़त्म हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली फिर से वो वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर एक्सटेंड टू एंड एंड ऑफ प्रोजेक्ट करने से वो एकदम लास्ट तक आपका पूरा का पूरा ऑडियो फाइल आ जाएगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा 9th नंबर का ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हमेशा हर किसी को, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था ये काइन मास्टर में एडिट करने से, बिकॉज हमेशा स्टार्टिंग में और एंड में वीडियो का वॉइस जो रहता था वो फेड हो जाता था। फेड होने का मतलब ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता धीमा होकर बंद हो जाता था। तो यार लास्ट में अगर बाय द वे आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है तो वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आता उससे। तो उसे अगर आपको ठीक करना है तो आप यहाँ पर जाओ पहले सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो मास्टर वॉल्यूम, इसे आप डिसेबल कर दो, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखिए ऑडियो फेड आउट है, इसे भी आप डिसेबल कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लास्ट में जो ऑडियो रहता है वो कभी भी फेड नहीं होगा, कभी भी स्लो नहीं होगा एंड टाइम में। फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो ट्रिक है वो है वीडियो फेड इन और फेड आउट कैसे करना है। कि स्टार्टिंग में जैसे आपको अगर अपना कोई भी वीडियो का सिनेमैटिक लुक लाना है तो सिनेमैटिक लुक में आप हमेशा गौर करते होगे दैट वीडियो स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा वो ब्लरी और थोड़ा सा अंधेरा टाइप पे होता है, उसके बाद फिर आपका वीडियो पूरा अच्छा से आ जाता है कॉन्ट्रास्ट लेवल पे, उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो अगर वो इफ़ेक्ट आपको डालना है तो फिर आप यहाँ पर सेटिंग में जा सकते हो, वीडियो सेटिंग में जा सकते हो, और यहाँ पे वीडियो फेड इन और फेड आउट है आप इसे सेलेक्ट कर लो, और जितना ड्यूरेशन तक आपको ये रखना है उतना ड्यूरेशन आप चेक कर लो, और उसके बाद फिर आप जैसे ही अपना वीडियो को स्टार्ट करोगे तो सही सिनेमैटिक लुक में स्टार्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगो यार, अगर अच्छा लगो यार तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, और अगर न्यू आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो यार तो फिर लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, किसी का हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ मेरा हेल्प नहीं कर रहे हो सामने वाले बंदे का भी हेल्प कर रहे हो यार। अगर न्यू आ गए हो चैनल पे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, सब्सक्रिप्शन का बटन यहाँ पे होगा दिया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और कोई भी सलाह हो सुझाव तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने देना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और मौज उड़ाओ।